यूपी बोर्ड क्लास 5 का हिंदी कलरव चैप्टर नंबर 10 है ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उसके अर्थ लिखने हैं। ओलंपिक का अर्थ क्या होता है? ओलंपिक एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता। सेकंड यहाँ पे शब्द है हरकुलिस। हरकुलिस का अर्थ होता है ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम, इसको हम कहते हैं हरकुलिस। जिमनास्टिक। जिमनास्टिक एक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक खेल विशेष का नाम जिसमें विशेष व्यायाम क्रियाएं की जाती हैं। अगला शब्द है भारोत्तोलन। भारोत्तोलन एक खेल होता है जिसमें अधिक से अधिक भार उठाने की प्रतियोगिता होती है। अगला शब्द है अवरुद्ध। अवरुद्ध का अर्थ होता है रुका हुआ या बंद पड़ा हुआ। और लास्ट शब्द यहाँ पर दे रखा है वर्चस्व। वर्चस्व का अर्थ होता है पूरा अधिकार या दबदबा। ओलंपिक खेल पाठ का सारांश। ओलंपिक खेल सर्वप्रथम ग्रीस के ओलंपिया नगर से में शुरू हुई। सर्वप्रथम 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता ही थी। अन्य प्रतियोगिताएं बाद में जोड़ी गई। पुरस्कार के स्थान पर विजेताओं को पवित्र जैतून की माला का ताज पहनाया जाता था। वह जैतून वृक्ष खेलों के संस्थापक हरकुलिस द्वारा मंदिर के पास लगाया गया था। 1866 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेल फ्रांसीसी व्यक्ति बैरन पीरे दी कुबर्तिन ने एथेंस में आयोजित किए। ये खेल 4 वर्ष के अंतराल में अलग अलग देशों में आयोजित किए जाते हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 में आयोजित नहीं हो सके थे। उद्घाटन समारोह में एथेंस से धावक मशाल उठाकर ले जाते हैं जो खेल की समाप्ति तक चलती है। विजेताओं को स्वर्ण रजत और कांस्य पदक दिए जाते हैं। वर्ष 2004 में एथेंस ग्रीक में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। 29वां ओलंपिक खेल वर्ष 2008 बीजिंग चीन में आयोजित हुआ। 30वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2012 में लंदन में हुआ। भारत कई ओलंपिक खेलों में हॉकी में स्वर्ण पदक की विजेता रहा। 1984 में भारत की पीटी उषा चौथे स्थान पर रहकर कांस्य पदक से वंचित रहीं। 1996 में अटलांटा ओलंपिक में भारत के लिए लिंडर पेस कांस्य पदक विजेता रहे। वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक खेलों में कड़म मलेश्वरी ने भारोत्तोलन स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया। यह भारत के लिए 14वां पदक था। भारत की अपेक्षा थोड़ी जनसंख्या वाले कई देशों से अधिक पदक जीते हैं। ओलंपिक खेलों की भांति ही प्रत्येक महाद्वीप में विभिन्न खेल संगठन भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराते हैं। इन खेलों में एशियाड, यूरोपियन खेल, अफ्रीकन खेल, राष्ट्रीय कुल खेल आदि शामिल हैं। इन खेलों में एक इस क्षेत्र के विभिन्न राष्ट्र प्रतिभागी बनते हैं। वर्तमान समय में खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ओलंपिक खेल अभ्यास प्रश्न। शब्दों का खेल। प्रश्न नंबर 1 है, इन शब्दों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ो और अपनी कॉपी में लिखो, विद्यार्थी स्वयं करें। प्रश्न नंबर 2 है, उदाहरण के अनुसार 3-3 वाक्य बनाकर लिखें जिनमें जब तथा तब का प्रयोग हो। उदाहरण जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, जब तुम आओगे तब मैं चलूँगा। तो उत्तर में लिखेंगे, जब रेलगाड़ी आई तब यात्री उसमें बैठे। अगला है, जब मकान का दरवाज़ा खुला तब मैं बाहर निकला। अगला है, जब कुत्ता भौंका तब मेरी नींद खुली। अगला है, जिसमें यदि तथा तो शब्द का प्रयोग हो। ऐसे वाक्य आपको लिखना है जिसमें क्या है, यदि तथा तो शब्द का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, यदि आंधी नहीं आई तो होती तो मैं समय पर पहुंच जाता। उसी प्रकार से हमको लिखना है, यदि चोर ना होते तो सामान चोरी नहीं होती। अगला है, यदि बैल होते तो किसान खेत जोत लेता। यदि राजपूतों में मेल होता तो मुगल युद्ध नहीं जीतते। अगला है, जिनमें परंतु शब्द का प्रयोग हुआ हो। उदाहरण की तरफ में देखेंगे, मंदोदरी ने बहुत समझाया परंतु रावण ने नहीं माना। उसी प्रकार से युधिष्ठिर ने
मना किया परंतु अभिमन्यु ने नहीं माना। सुदामा ने समझाया परंतु उसकी पत्नी ने नहीं माना। खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया परंतु वे पदक नहीं जीत सके। बोध प्रश्न, प्रश्न नंबर एक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे लिखेंगे इसका उत्तर देंगे। तो उत्तर में लिखेंगे ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम आयोजन एथेंस में हुआ था जो ग्रीस की राजधानी है। शुरू शुरू में विजेताओं को किस प्रकार पुरस्कृत किया जाता था, उत्तर में लिखेंगे शुरू में विजेताओं को जैतून की मालाओं के ताज पहनाकर उसको पुरस्कृत किया जाता था। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो जो ओलंपिक खेल होते हैं वो 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल कब का आयोजित नहीं हो सके, तो आपको ध्यान रखना है जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय 1916, 1940 और 1944 में आपके ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हो सका। पहला विश्व युद्ध आपका 1916 के आसपास था और द्वितीय विश्व युद्ध 38 से 45 के आसपास, ठीक है। ढूंढो और लिखो कुछ प्रमुख ओलंपिक खेलों के नाम, जैसे कि कुछ प्रमुख ओलंपिक खेल कौन कौन से होते हैं, दौड़ होता है इसमें सुना होगा ना आपने, जिमनास्टिक है, साइकिलिंग होता है साइकिलिंग दौड़, लाल टेनिस होता है, टेबल टेनिस होता है, निशानेबाजी होता है, तैराकी होता है, भारोत्तोलन होता है, कुश्ती होता है और मुक्केबाजी, ये सब आपके खेल होते रहते हैं। और भी नाम है जो आपको जितनी याद होंगे उसको लिख सकते हैं अपने आप से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है अपने देश के कुछ प्रमुख पदक विजेताओं के नाम लिखिए, अभी तक किसने अपने देश में ओलंपिक पदक जीते हैं उसके नाम यहाँ पे लिखना है। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले हम तो प्रमुख पदक विजेता कौन कौन है, तो यहाँ पे लिखेंगे KD जाधव, इन्होंने किस में जीता था, कुश्ती में, लिंडर पेस इन्होंने टेनिस में जीता है, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में, और ये राज्यवर्धन सिंह राठौर निशानेबाजी में, अभिनव बिंद्रा 10 मीटर ये राइफल में, सुनील कुमार कुश्ती में, और इस साल में अगर बात करते हैं मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में सिल्वर पदक, सिंधु ने कांस्य पदक, और सबसे भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है इस बार, जापान टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, 87.58 मीटर उन्होंने भाला फेंका था, और इसीलिए 7 अगस्त के दिन भाला दिवस मनाया जाएगा इसके बाद से, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।